तो आज हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं एक आसामी ट्रेडिशनल रेसिपी जो कि है कच्चे जैकफ्रूट का एक सब्जी जिसको हम आसमीज में बोलते हैं कथाला और मुसी। सो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस रेसिपी को हम लोग कैसे बना सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये है कच्चा जैकफ्रूट और इसको हम लोगों ने अच्छे से काट के पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उस पानी में इसे हम लोगों ने भिगो के रखा है। इसे हम लोगों ने नमक के पानी में इसलिए भिगो के रखा है क्योंकि कुछ कटहल जो होते हैं वो थोड़े से कड़वे होते हैं, तो उस कड़वेपन को हटाने के लिए हम लोगों ने इसे नमक के पानी में भिगो के रखा है। ऐसा करने से इसे बॉईल करने के बाद हम लोग डायरेक्ट इसका सब्जी बना सकते हैं। इसे बॉईल करने के लिए एक कुकर में हमें आलू और ये कच्चे जैकफ्रूट के पीसेस ले लेने हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसमें पानी डाल के इसे उबालने के लिए रखेंगे। हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस थोड़े से पानी के साथ हम लोग इसे उबालने के लिए रख देंगे। अब हम इसका ढक्कन लगा के इसे गैस पे चढ़ा देंगे। इसे हमें 2 सीटी आने तक गैस पे छोड़ना है, तो तब तक चलिए थोड़ा सा मसाला हम लोग तैयार कर लेते हैं। मसालों के लिए हमने यहाँ पे लिया है जीरा, काली मिर्च, साबुत धनिया, लहसुन और अदरक। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में भिगो के रखना है। थोड़ी देर मसालों को भिगो के रखने के बाद इसका पानी फेंक के हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने के लिए निकाल लेना है और फिर हमें इसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है। तब तक दूसरी तरफ यहाँ पे कुकर के 2 सीटियाँ आ गई है और अब हम इसे खोल लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे से बॉयल हो गया है, बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था। अब हमें एक कढ़ाई को गरम करके उसमें सरसों का तेल डाल लेना है। तेल को हमें थोड़ी देर गरम होने के लिए छोड़ देना है। दूसरी तरफ हमें चाहिए यहाँ पे 2 सूखी लाल मिर्च, कुछ कटे हुए प्याज, 2 तेज पत्ते और वो पेस्ट जो हम लोगों ने बनाया था। तो यहाँ पे हम लोग का तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ते और प्याज डालकर इसे थोड़ी देर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें बनाया हुआ मसाले का पेस्ट डाल देंगे और फिर हमें इस पेस्ट को इसके साथ अच्छे से एक बार फिर फ्राई कर लेना है। मसालों को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब हम इसमें हल्दी डाल के इसे अच्छे से एक बार फिर फ्राई कर लेंगे। इन मसालों में से एक अच्छी सुगंध आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमें थोड़ा सा पानी इस मिक्सचर के साथ मिला लेना है। इस मिक्सचर को पानी के साथ थोड़ी देर अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें बॉईल किए हुए आलू और कच्चे कटहल डाल देंगे। आलू डालने के बाद हमें इसे फिर से थोड़ी देर अच्छे से फ्राई कर लेना है। थोड़ी देर इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। हमने पहले जिस पानी से कटहल और आलू बॉईल किया था उसे हमें एक बार चख के देख लेना है कि वो कड़वा है या नहीं। अगर वो कड़वा है तो इस पानी को इस्तेमाल मत कीजिएगा और अगर नहीं तो इसी पानी को सब्जी में डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर सब्जी को थोड़ी देर अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर लेना है।
इसे थोड़ी देर मिक्स करने के बाद हमें इसके ऊपर एक ढक्कन लगा के इसमें अच्छे से उबाल आने तक इसको गैस में रखना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। अब हमें इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और फिर हम थोड़े से इलायची लेके उसके दाने को पीस के उसे सब्जी में डाल लेना है। इलायची डालने के बाद अब हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है और अब आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ परोस सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसे रोटी और पुदीने की चटनी के साथ परोसा है। तो चलिए हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है ये। सो और रोटी के साथ हम इसे टेस्ट करेंगे। प्लस चटनी भी है, टेस्ट करके देखते हैं। पुदीने की चटनी अच्छा बना है, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। इट्स वेरी टेस्टी और इसमें थोड़ा सा स्पाइसीनेस है जो कि रोटी के साथ खाने से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई डोंट थिंक राइस के साथ ये इतना मैच करेगा जितना रोटी के साथ, ये इतना अच्छा टेस्ट जो इसका आ रहा है। और प्लस क्योंकि ये थोड़ा स्पाइसी है तो ये रेनी वेदर्स को ज़्यादा सूट करेगा ये डिश। ये था आज का हमारा वीडियो। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आप लोग हमारे नए वीडियोस के बारे में नोटिफाई हो जाए। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा। सो मिलते हैं आप लोगों से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।